नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है सावन का अंतिम सोमवार, शिव पूजन के लिए बेहद है खास। टीचर बहाली परीक्षा को लेकर आयोग ने बताया कब आएगा रिजल्ट। पिछले साल की तुलना में बिहार में आने वाले पर्यटकों में 2.5 गुना तक हुई वृद्धि। बिहार के इन 3 अध्यापकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। सीआईएसएफ जवान ने की एमएस धोनी से मुलाकात की कहानी शेयर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल में 490 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कुल 490 अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये रिक्तियां देश भर में टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित विभिन्न ट्रेडों और विषयों में उपलब्ध है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 10 सितंबर 2023 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख ले। बता दें कि इन पदों के लिए चयन ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के संगठन द्वारा निर्धारित नोटिफाई योग्यता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा। आज है सावन का अंतिम सोमवार, शिव पूजन के लिए बेहद है खास। आज यानी 28 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार है। बता दें कि इस बार सावन माह में अधिक मास लगने के कारण 8 सावन सोमवार का संयोग बना, जिसमें से 7 सोमवार बीत चुके हैं तो वहीं 8वां सोमवार आज है। बता दें कि आज का दिन शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास है। पंडितों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे भक्त जो पूरे सावन किसी कारण शिवजी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या व्रत आदि नहीं कर पाए हैं, वह सावन के अंतिम सोमवार यानी कि आज यह काम कर सकते हैं। आज अंतिम सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में धार्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार आप सुबह सोमवार व्रत की पूजा और शाम में प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन के आखिरी सोमवार पर भोलेनाथ की पूजा, आराधना और उपायों से जीवन की हर बाधा दूर होती है और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पत्थरकट्टी के बारे में। पत्थरकट्टी बिहार के गया जिले का एक छोटा सा गांव है और यह शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस गांव का मुख्य पेशा पत्थर को तराश कर खूबसूरत मूर्ति बनाना है। परंपरागत रूप से यह काम गौर ब्राह्मणों तक सीमित था, जो इंदौर की रानी अहिल्याबाई के निमंत्रण पर राजस्थान से यहाँ आए थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण इन्हीं गौर ब्राह्मणों द्वारा हुआ था। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ का स्थानीय कारीगर काले कठोर पत्थर पर नक्काशी करते हैं, जो कि अपने आप में हुनर पेशगी का एक अनोखा नमूना है। पत्थरकट्टी पत्थरों से बनी चीजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के कुशल कारीगर ग्रेनाइट, सफेद बलुआ, पत्थर, संगमरमर को विभिन्न स्वरूप देने में माहिर हैं। इन पत्थरों से घरेलू सामान जैसे थाली, कटोरा इत्यादि बनाए जाते हैं। अगर आप पत्थर से बनी चीजों के शौकीन हैं तो पत्थरकट्टी जरूर जाएं। टीचर बहाली परीक्षा को लेकर आयोग ने बताया कब आएगा रिजल्ट। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने बीपीएससी की ओर से ली गई शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग लिया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीचर बहाली परीक्षा के परिणाम को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा टीचर बहाली परीक्षा के परिणाम को लेकर कहा गया है कि इसके परिणाम 3 चरणों में जारी किए जाएंगे, जिसमें से पहले चरण में 11 और 12 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 9 से 12 तक परिणाम जारी किए जाएंगे और सबसे अंतिम यानी कि तीसरे चरण में प्राइमरी स्कूल के अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में 9 से 12 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनके दस्तावेज सत्यापन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि हाई स्कूल के टीचर यानी 9 से 12 तक की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अगर कई पेपर में अयोग्य नहीं है तो भी उनका चयन हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। उन्हें हर एक परीक्षा में पास होना जरूरी होगा, तभी उनका चयन हो पाएगा। कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित मुर्गी पालकों को अनुदान देने हेतु आवेदन आमंत्रित। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षित मुर्गी पालकों को अनुदान देने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में इच्छुक लोग आवेदन करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि लाभुकों का चयन उनके स्वलागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। मालूम हो कि आवेदन करने के लिए कुछ वांछित कागजात की जरूरत पड़ती है, जिनमें
वांछित भूमि का साक्ष्य, वांछित राशि का साक्ष्य, प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु जाति प्रमाण पत्र और फोटो, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र शामिल है। इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बीपीएससी 69वीं पीटी परीक्षा से हटा ई ऑप्शन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 69वीं पीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 69वीं पीटी परीक्षा से ऑप्शन ई को हटा दिया गया है। बता दें कि इस बारे में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा खुद ट्वीट कर जानकारी दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बीपीएससी एकीकृत 69वीं में निगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन इसमें चार उत्तर विकल्प ही होंगे, इसे ऑप्शन ई को हटा दिया गया है। इसके साथ इस बार 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी शामिल है। मालूम हो कि पीटी परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित होने वाली है, तो वहीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा और फिर इसके बाद 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में बिहार में आने वाले पर्यटकों में 2.5 गुना तक हुई वृद्धि। बिहार के पर्यटन क्षेत्रों में कोरोना जैसी महामारी के बाद अच्छा विकास देखने को मिल रहा। दरअसल बिहार में शुरुआती 6 महीने में ही बीते वर्ष की तुलना में 2.5 गुना विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। विदेशी पर्यटकों के अलावा देशी पर्यटकों में भी वृद्धि हुई। मीडिया में देखे गए आंकड़े के अनुसार जून तक यह आंकड़ा 2,06,000 को पार कर चुका है। बता दें कि बिहार में पर्यटन के लिए सितंबर से दिसंबर तक का महीना काफी अनुकूल रहता है। इस दौरान पितृपक्ष और सोनपुर जैसे मेले का भी आयोजन होता है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पर्यटकों की संख्या 5 से 6 लाख तक जा सकती है। मालूम हो कि बिहार में आयोजित मलमास मेले के कारण भी देशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। पर्यटन विभाग के अनुसार जनवरी से जून के बीच राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर 1,42,10,989 पर्यटक आए। बिहार प्रशासनिक व भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में इन दिनों कई बड़े पदाधिकारियों का तबादला देखने को मिला, जहां बिहार प्रशासनिक सेवा से 48 और भारतीय प्रशासनिक सेवा से एक अधिकारी के तबादले किए गए। इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से जारी हो चुकी है। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बिहार प्रशासन सेवा के पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है। साथ ही 22 अधिकारियों की स्थापना अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बिहार के कई जिलों में की गई है। बता दें कि ये पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा से थे। वहीं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी में निशांत विवेक को अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर कहलगांव से स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर सारण के पद पर पदस्थापित किया गया है। गांधी मैदान अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए होगी विशेष सुविधा। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में 202 मीटर लंबा गांधी मैदान अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाएगा, जो कि 2 फ्लोर का होगा। उसके पहले फ्लोर में कॉनकोर्स और दूसरे फ्लोर पर प्लेटफॉर्म की सुविधा होगी। वहीं गांधी मैदान और कारगिल चौक के पास 3 प्रवेश और निकास द्वार होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 7 एस्केलेटर और 5 सीढ़ियां बनाई जाएंगी। टिकटिंग और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं कॉनकोर्स लेवल पर उपलब्ध होगी। वहीं दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेट्रो स्टेशन पर अलग से विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि पटना मेट्रो के बनने से लोगों को यात्रा करना न केवल सस्ता और सुविधाजनक होगा, बल्कि इससे प्रदूषण भी कम होंगे, क्योंकि इससे सड़क पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी। बिहार के इन 3 अध्यापकों को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के तहत देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें बिहार के भी 3 शिक्षकों के नाम शामिल है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि जारी किए गए सूची में बिहार के जिन 3 शिक्षकों का नाम शामिल है, उनमें कैमूर भभुआ के आदर्श गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सीतामढ़ी बाजपट्टी के बनगांव बाजार के मध्य विद्यालय मधुबन के विजेंद्र कुमार और किशनगंज में उच्च विद्यालय सिंघिया की शिक्षक कुमारी गुड्डी के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से 6 शिक्षकों की सूची केंद्र को भेजी गई थी, जिनमें से 3 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। मालूम हो कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के 50 शिक्षकों का नाम जारी किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजकमल चौधरी के बारे में।
राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि एवं कहानीकार थे। मैथिली में स्वरगंधा कविता, राजकमलक आदि कविता संग्रह, एकटा चंपाकली, एकटा विषधर तथा आदि कथा, फूल पत्थर एवं आंदोलन उनके चर्चित उपन्यास हैं। हिंदी में उनकी संपूर्ण कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका वास्तविक नाम मणिनंद्र नारायण चौधरी या लेकिन स्नेह से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे। वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद राजकमल ने स्वयं को रचनात्मक कार्यों में समर्पित कर दिया। उनकी रचनात्मकता कवि, उपन्यासकार, कहानी लेखक, नाटककार आदि कई रूपों में सामने आई। उनकी रचनात्मकता मुख्यतः 3 भाषाओं मैथिली, हिंदी एवं बंगाली तक सीमित रही। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ कविताएं लिखी। ऐसा माना जाता है कि राजकमल ने लिखने की शुरुआत अपनी मातृभाषा मैथिली से की। उनकी कविताओं की खासियत यह थी कि उनमें किसी तरह की लयबद्धता अथवा किसी काव्य नियम का बंधन नहीं था। मन के अनुरूप उनकी कविताओं की संरचना भी निर्बंध थी। उनकी रचनाओं में छंद विशेष का प्रभाव था एवं उनके निजी अनुभवों से ओतप्रोत था। सीएम नीतीश ने लोहिया पद चक्र का किया निरीक्षण। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अचानक राजधानी पटना स्थित हड़ताली मोड़ पहुंचकर वहां बन रहे लोहिया चक्र पथ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि लोहिया चक्र पथ के निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार के द्वारा निर्माण के सभी पहलुओं की बारीकी से समझा गया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि लोहिया चक्र पथ का निर्माण किसी भी हाल में इसी साल दुर्गा पूजा से पहले पूरा कर लिया जाए। उन्होंने इसको लेकर विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात भी की। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह काम इसी साल दुर्गा पूजा से पहले पूरा कर लिया जाएगा और उसके बगल में जो बिल्डिंग है वह भी 80 साल पुराना है, इसको भी तोड़कर नया बिल्डिंग बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहां रह सकेंगे। एक निजी कार्यक्रम के दौरान बक्सर आई अक्षरा सिंह को देख फैंस हुए उत्साहित। अक्षरा सिंह बिहार के बक्सर जिले में एक मॉल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के साथ झूम उठी। उनके चाहने वालों ने बड़े ही उत्साह से उनके साथ ठुमके लगाए। लोगों ने जमकर अक्षरा सिंह के साथ सेल्फी ली। इस दौरान अक्षरा सिंह ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। फैंस के साथ मस्ती करने के बाद उन्होंने फैंस के प्यार और सम्मान को देखते हुए धन्यवाद भी दिया। हालांकि इस दौरान वे अपने बाउंसर्स के सुरक्षा के घेरे में ही रही। उद्घाटन समारोह में अक्षरा सिंह के आने की खबर लोगों को शहर में लगे होर्डिंग के जरिए मिली, जिस वजह से कार्यक्रम स्थल पर काफी भीड़ देखने को मिली। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। छात्रों के बैंक खाते का आधार से लिंक होना प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जरूरी कर दिया गया है। यदि बैंक आधार से लिंक नहीं होते हैं तो छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं जा पाएगी। पूरे राज्य में 9वीं और 10वीं के जिन विद्यार्थियों का खाता आधार से लिंक नहीं है उनकी संख्या फिलहाल 3 लाख बताई गई है। मालूम हो कि विद्यार्थियों को हर वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। सभी जिला शिक्षा कार्यालय से यह निर्देश दिया गया है कि छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को अपने बैंक को आधार से लिंक करवाना जरूरी होगा। यदि खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। बिहार में बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी गर्मी तो कभी बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। हालांकि बीते 3-4 दिनों से हुई बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। बारिश होने की वजह से किसानों के बीच काफी खुशी का माहौल है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 28 अगस्त को बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं अगर हम कल यानी कि 29 अगस्त के मौसम की बात करें तो IMD बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार कल के लिए भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस तरह की स्थिति राज्य में 31 अगस्त 2023 तक बनी हुई है, लेकिन आगे चलकर राज्य में फिर से बारिश की संभावना बन सकती है। नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए कई बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेता। नवादा के टाउन हॉल में नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चौथे सीजन की शुरुआत की जा चुकी है। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान बॉलीवुड के साथ साथ कई हॉलीवुड सितारे भी शामिल होने वाले हैं। अपने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से देश विदेश में नवादा के अभिनेता राहुल वर्मा ने प्रसिद्धि पाई है। बता दें कि बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, सत्यकाम आनंद, विमलेंदु सिंह, इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेता ब्रैंडन हिल आदि भी मौजूद दिखे। बिहार के स्कूलों में सुधार के लिए जिला अधिकारियों को KK पाठक का निर्देश।
बिहार में इन दिनों के पाठक शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्त होते दिख रहे हैं। दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार की जाए, इसे लेकर कई नए फरमान लागू किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक्शन मोड में आए के पाठक ने बिहार के हर जिले के स्कूलों में कई तरह की कमी को देखते हुए इसे दूर करने के लिए आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से कहा है कि 1 जुलाई 2023 से विद्यालयों में शुरू हुई अनुश्रवण की व्यवस्था के बाद विद्यालयों की कमी और समस्याओं को सुलझाने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से 4 कदम मुख्य हैं जिन पर आपके मुख्य हस्ताक्षर की आवश्यकता है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी चुनौती। जातीय जनगणना को लेकर शुरू से ही सियासत देखने को मिल रहा, महागठबंधन हो या भाजपा, दोनों ही एक दूसरे पर सियासी पलटवार करने में लगे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया है कि महागठबंधन के नेता बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। इन लोगों को जनता पहचान गई है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा है कि आज यदि जातीय सर्वेक्षण हो रहा है तो इसे रोका किसने? हिम्मत है नीतीश बाबू तो इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में रिलीज करो। यह लोग बस राजनीति करते हैं और जातियों में हमें बांटना चाहते हैं। मुंबई में विपक्षी बैठक में हो जाएगा सब कुछ फाइनल, बोले सीएम नीतीश। पिछले काफी दिनों से मुंबई में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिन सीएम नीतीश के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा गया कि हमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो बस सबको एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम शुरू से यही बात बोलते आ रहे हैं, इसलिए वह सब क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। मुंबई की बैठक में कई जगह की और भी पार्टी शामिल हो रही है और इस दौरान सभी चीज फाइनल करके कौन कौन कहां कहां लड़ेगा यह सब बात भी फाइनल कर बता दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी के द्वारा उठाए गए सवाल कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा पर जवाब देते हुए कहा कि उसे पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि हम पहले इधर उधर थे और सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो नुकसान होगा ही, इसलिए मेरे पर बोलते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम उनके किसी बात को देखने तक भी नहीं जाते हैं। राजद सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा के द्वारा बीते दिन राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में हो रही जातीय गणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बिहार में हो रही जातीय गणना को रोकने की कोशिश प्रधानमंत्री कार्यालय कर रही है। जिस तरह से कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने बातें कही है उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं न कहीं इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हाईकोर्ट में भी इसको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या जवाब दिया वह सभी ने सुना है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में किसी को याचिका कर्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया है और उनका पोल खुल चुका है। उन्होंने ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसको रोकने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं चाहते कि बिहार में जातीय गणना हो। संकल्प यात्रा के दौरान बेगूसराय में मुकेश सहनी ने भरी हुंकार। इन दिनों विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी निषाद आरक्षण के लिए अपने संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी संकल्प यात्रा के दौरान वे अपने ससुराल बेगूसराय पहुंचे। यहां आते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। यहां मुकेश सहनी ने कई जगहों पर लोगों के साथ हाथ में गंगा जल लेकर अपने अधिकार और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। बीते ही दिनों उन्होंने नारायण पीपर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक निषाद का बेटा भी वोट के दम पर पीएम और सीएम बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के लिए कफन बांधकर निकले हैं और उसे लेकर रहेंगे। सीआईएसएफ जवान ने की एमएस धोनी से मुलाकात की कहानी शेयर। एक सीआईएसएफ अधिकारी सतीश पांडे के द्वारा लेख लिखकर एमएस धोनी से अपनी मुलाकात की कहानी साझा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मुलाकात एमएस धोनी से रांची एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह धोनी से मिले वह उनकी गर्मजोशी, मिलने की कला और उनकी सालीन मुस्कान से दंग रह गए। उन्होंने धोनी के साथ काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और साथ ही विपरीत परिस्थितियों से निपटने के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा सतीश पांडे ने धोनी के एक और उदाहरण की ओर इशारा करते हुए लिखा कि जहां पूर्व कप्तान ने कहा था कि वह सिर्फ इस पल में जीना चाहते हैं और कैसे वह हर पल का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। बता दें कि सतीश पांडे का लिखा हुआ यह लेटर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मुगलों ने 1600 को अहमदनगर में कब्जा कर लिया। कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन 1904 में हुआ। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल 1972 में पारित किया गया। भाग्यश्री साठे शतरंज में 1986 को ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम महिला बनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1999 और 2000 के सभी नोटों को प्रचलन से हटाने का निर्णय 2008 में लिया।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को बिहार में आए बाढ़ का राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने 2008 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया। लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे ने 2011 में भारतीय संसद द्वारा 3 मांगों के समर्थन का प्रस्ताव पारित करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिनों से जारी अनशन को स्थगित करने की घोषणा की। पीवी सिंधु ने 2017 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता। भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का जन्म 1913 में हुआ। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल सिक्किम के पूर्व राज्यपाल टीवी राजेश्वर का जन्म 1926 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध सितार वाद कविलायत खां का जन्म 1928 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष MGK मेनन का जन्म 1928 में हुआ। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर का जन्म 1952 में हुआ। अभिनेता सुनील दत्त की पुत्री और पश्चिमी मुंबई से लोकसभा सांसद प्रिया दत्त का जन्म 1966 में हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है, भारत सरकार ने ऐसी कोई सेवा शुरू नहीं की है। कुछ राज्यों में इस नंबर का प्रयोग विभिन्न हेल्पलाइन सेवा के लिए किया जाता है। ईमेल हाईजैकिंग को रोकने के लिए गूगल ने जोड़ा एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन। गूगल ने इस बात की घोषणा की है कि कंपनी जीमेल की कुछ सेंसिटिव सेटिंग में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप जोड़ेगी ताकि ईमेल हाईजैकिंग को कम किया जा सके। अब आपको जीमेल में किसी फिल्टर को एडिट करने या एड्रेस को जोड़ने के लिए वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि पिछले साल हमने गूगल वर्कस्पेस खातों की संवेदनशील कार्रवाइयों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय पेश किया था। अब हम इसे जीमेल की सेंसिटिव सेटिंग के साथ जोड़ रहे हैं ताकि जब भी इसे कोई एक्सेस करे तो वह खुद को वेरीफाई करे। सबसे पहले यदि आप एक नया फिल्टर बनाते हैं या मौजूदा फिल्टर को एडिट या फिल्टर को इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको खुद को वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा यदि आप फॉरवर्डिंग या POP या IMAP सेटिंग में नया एड्रेस जोड़ते हैं तो इसके लिए भी आपको वेरीफाई करना होगा। साथ ही IMAP एक्सेस की सेटिंग को बदलने के लिए भी आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। यदि गूगल को कोई जोखिम भरा एक्शन जीमेल अकाउंट में महसूस होता है तो कंपनी वेरिफिकेशन के लिए कहेगी। यदि वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो इसकी जानकारी आपको एक मेल के माध्यम से मिल जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। अगला सवाल, हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। अगला सवाल, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शहर शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदौर। अगला सवाल, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। अगला सवाल, बिहार में इनमें से किन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनुप्रिया, शिव कुमार पासवान, प्रियांश उत्तमराज, चंद्रदीप, कमलेश शर्मा, नुन्नू कोलू कुमार, AS दिनेश, कस्तूरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, गुंजा कुमारी, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपने सिनेमा हॉल में अंतिम फिल्म कौन सी देखी है और वह फिल्म आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।